मन की बात रे प्रधानमंत्री को मुहरे ओडिया पुंग को प्रशंसा। ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले संताली भाषा व्यवहार रे मयूरभंज युवकों को अवदान कथा कहिले मोदी। जहां संताली भाषा से जुड़े साहित्य को डिजिटल प्लेटफॉर्म रे अल्टिकी को लेखिबार कौशल बाहर करिछंती रामजीत टुडु। भाव विहोल हेले पीएम कहिले मन की बात रे 10 वर्षर यात्रा अविस्मरणीय। मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो गए। स्वच्छता अभियान रे समस्त भाग नेबा को देशवासी को देले आह्वान। रामजीत जी ने मन की बात कार्यक्रम रे मयूरभंज जिला रो संताली संप्रदाय रो युवक रामजीत टुडु को भूरी भूरी प्रशंसा करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। डिजिटल प्लेटफॉर्म रे संताली भाषा रो प्रचार प्रसार करुछंती रामजीत। से एमिति एक प्लेटफॉर्म तयारी करिछंती जेउथिरे संताली भाषा सह जड़ित साहित्य को पढ़ाई पारुछि एवं संताली भाषा रे मध्य लेखा जाय पारुछि। संताली भाषा रो स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती रामजीत। से अल्टिकी को लेखिबार कौशल बाहर करिछंती। एने एक अभियान चलाइछंती मातृभाषा पाई छोटो प्रयास को पीएम प्रशंसा करथिबारु खुशी व्यक्त सह गर्वित अनुभव करथिबा कहिछंती रामजीत टुडु। श्रीमान रामजीत टुडु एक अभियान चला रहे हैं। रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। दरअसल कुछ साल पहले जब रामजीत जी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मातृभाषा में संदेश नहीं दे सकते। इसके बाद वो संथाली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी को टाइप करने की संभावनाएं तलाश करने लगे। अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने ओल्ड चिकी में टाइप करने की तकनीक विकसित कर ली। आज उनके प्रयासों से संथाली भाषा में लिखे लेख लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। ओडिशा विभिन्न जगह रे विभिन्न प्रोग्राम्स को अटेंड करी छी एवं ए विषय रे मु सब लोक मन को सचेतन करी छी। ता सहित ओडिशा व्यतीत मु झारखंड वेस्ट बंगाल रो विभिन्न जगह रे जोठारे पब्लिक गैदरिंग्स होउतिला संथाली लोक मन को गैदरिंग्स होउतिला राइटर्स कॉन्फ्रेंस होउतिला से जगह रे जाई कि मु लोक मन को ए विषय रे सचेतन करी छी एवं ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବିତ ଅଛି। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଆଜି 114ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ କା ଏ ଏପିସୋଡ ମୁଝେ ଭାବୁକ କରନେ ୱାଲା ହେ, ମୁଝେ ବହୁତ ସି ପୁରାନୀ ୟାଦୋ ସେ ଘେର ରହା ହେ। कारण यह है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। सही परी देशव्यापी चली थी स्वच्छता अभियान उपरे गुरुत्वारोप करी छंती मोदी। कही छंती स्वच्छता दिनकर काम नुहे, यह वर्ष वर्ष धरी निरंतर प्रक्रिया। स्वच्छता एबे देश रे एक जन आंदोलन रे परिणत होई। अक्टूबर 2 रे स्वच्छ भारत अभियान को 10 वर्ष पूरुची। एही अभियान रे शामिल हेबा को देशवासी को आह्वान दे छंती पीएम। देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मन की बात प्रधानमंत्री वार्ता को जाजपुर सुनिथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। से हीपरि एआईसी नालंदार इनोवेट ओडिशा 2.0 रे शामिल होई मन की बात सुनिछंती मत्स्य एवं पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एवं बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।